आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक की सब्जी। इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और ये मस्टर्ड ऑयल है हमारा। अब हम इस ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। देखिए ऑयल हमारा बहुत तेज गरम है, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं बस। इसमें अदरक और लहसुन कटा हुआ बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। हम इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल देंगे। अब ये हमारा हो गया, हम इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो गया, इसको ज्यादा नहीं लेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं, बाकी का प्याज हमारा आलू के साथ भून जाएगा, पक जाएगा। देखिए आलू और प्याज दोनों मिक्स हो गए हैं। अब इनको हम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक हमारे आलू पक जाएंगे। फिर बाकी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे हमारे आलू जल्दी पक जाएंगे। तो अब हम इसको ढक देते हैं। अपने आलू चेक कर लेते हैं कि कैसे हुए हैं हमारे आलू। थोड़ा सा और ढक देंगे इसको अब हम। देखिए हम अपने आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू गल गए हैं, थोड़ा सा बाकी है, तो पालक डालने के बाद भी ये बन जाएंगे हमारे। और बस अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, इससे हमारा कलर अच्छा आ जाएगा। और बस इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर कटे हुए बारीक, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर। ये देखिए बस अब सब चीजों को मिक्स कर देंगे। अब डाल देते हैं इसमें हम पालक, बारीक कटी हुई पालक इसमें डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हो गया, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और इसको भी 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। चलिए हम अपने पालक और आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए मेरी आलू पालक बनके रेडी हो गई है और कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक। पत्ते वाली सब्जियों में थोड़ा ही नमक डालते हैं, नहीं तो ये बनने के बाद काफ़ी कम हो जाती है, इससे हमारा नमक तेज हो जाता है। तो इसको लास्ट में ही डालेंगे और साथ में डाल देते हैं गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और बस इसको मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी पालक बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बटर, और बटर डालने के बाद इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। बस अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो तैयार हो गई है, अब देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और ये हमारी सब्जी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, ये खा सकते हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है।